नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत होता है। आज की इस वीडियो में हम एस्टेडिन गैस से गैस टॉर्च बना के दिखाएंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए, आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े ले लेते हैं और एक बोतल लेंगे। तो आप ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई करने की कोशिश ना करें। तो गैस टॉर्च बनाने के लिए हमें एक आईवी सेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक फेविक्विक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम आईवी सेट को इसके अंदर से निकाल लेते हैं। आईवी सेट पैक है, ये आईवी सेट मार्केट में 20 रुपये का मिलता है, तो हमें इसे पहले निकाल लेते हैं कैसा आता है, आपको दिखा देते हैं। आईवी सेट, ये आईवी सेट है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसी से हम गैस टॉर्च बनाएंगे। अब हमें एक ढक्कन लेंगे, बोतल का ढक्कन, और उसके अंदर हमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से छेद कर लेंगे। तो हम इस बोतल के ढक्कन में छेद कर लेते हैं। अभी देखिए, बोतल के ढक्कन के अंदर हमने छेद कर लिया और इसके अंदर इस प्रकार इस आईवी सेट को लगा दिया हमने। अब इसे हम फेविक्विक से एकदम एयर टाइट कर लेंगे, अच्छी तरह फेविक्विक से चिपका लेंगे। ऊपर से हम चिपका देते हैं और इसे इस फेविक्विक को अंदर भी इसके अंदर ढक्कन के अंदर से चिपका देते हैं, ताकि इसके अंदर से गैस लीकेज ना हो, एसिटिलीन गैस। अब इस बोतल के अंदर हम पानी भरेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोतल के अंदर पानी भर लेते हैं। इस बोतल को ज़्यादा नहीं भरना है, ताकि इसके अंदर गैस बने तो वो स्टोर भी हो। इसे सिर्फ आधा ही भरना है, आधा सा भी थोड़ा कम भरना है पानी। अब हम इस बोतल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े डालेंगे। तो ये कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं, हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इन्हें हमने पहले ही तोड़ लिया था। तो हम इन कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों को जैसे डालते हैं, देखिए पानी का कलर कैसे चेंज हो गया। अभी कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर है, ये भी डाल लेते हैं। अब हम ये बोतल के जो ढक्कन था उसके अंदर आईवी सेट लगा हुआ था, उसे इस बोतल के ऊपर कस देते हैं अच्छी तरह से, जिससे हम अच्छी तरह कसेंगे, ताकि इसके अंदर से बिल्कुल भी गैस लीकेज ना हो, एसिटिलीन गैस जो बनेगी वो बिल्कुल भी लीकेज ना हो। और इसके अंदर ऊपर जो स्विच आता है, इसे हम अच्छी तरह बंद कर देते हैं और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि इसके अंदर एसिटिलीन गैस बन जाए। अभी देखिए, इसके अंदर एसिटिलीन गैस बन गई है। अब हम इसे जला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कैसे जल रही है एसिटिलीन गैस, ये बहुत ही ब्राइट जलती है, इससे बहुत तेज़ रोशनी होती है। देखिए कितनी तेज़ जल रही है, कैमरे के अंदर भी दिखाई नहीं दे रही अच्छी तरह से। ये देखिए कितनी तेज़ जलती है। अब हम इस चम्मच के ऊपर इस गैस टॉर्च को डालेंगे और देखते हैं कि ये चम्मच पिघलती है नहीं पिघलती। तो सबसे पहले इस गैस टॉर्च को हम फुल कर लेते हैं और अब इस चम्मच के ऊपर डालते हैं, देखते हैं चम्मच पिघलेगी या नहीं पिघलेगी। तो आप देख सकते हैं चम्मच कैसे काली हो गई है। ये पिघलेगी तो नहीं, क्योंकि इस टॉर्च के अंदर इतनी पावर नहीं है कि इस चम्मच को पिघला दे, वो तो सिर्फ वेल्डिंग वाले टॉर्च के अंदर ही होती है। तो आप देख सकते हैं ये कलर तो चेंज हो गया है चम्मच का। अब हमने इस बलून के अंदर जो एसिटिलीन गैस थी उसे भर ली है। अब इस बलून से हम गैस टॉर्च बना के दिखाते हैं कि बलून के दबाव से गैस टॉर्च कितनी तेज़ जलती है। तो सबसे पहले हम इसे फुल खोल लेते हैं, इसे देखते हैं कितनी तेज़ जलती है। इस बलून के अंदर एसिटिलीन गैस है, अब इसे जला के दिखाते हैं आपको इस बलून से कैसे जलती है, कितनी तेज़ जलती है। तो देखिए बलून को हमने फुल खोल दिया, इस गैस को इतनी तेज़ जलती है इस बलून से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल पर विजिट करके आप और वीडियो